आप देख रहे हैं भारत फोकस और मैं हूं आपके साथ विदिशा। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी से करारी शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है। यहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां संभाल सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री संसद के बजट सत्र के दौरान वक्त निकालकर बंगाल के भाजपा सांसदों से मिल रहे हैं। उन्होंने यहां के सभी 18 सांसदों से राज्य में लागू केंद्र सरकार की योजनाओं और ममता बनर्जी सरकार के प्रदर्शन पर रिपोर्ट मांगी है। भाजपा बंगाल के चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में मोदी की पार्टी के 18 सांसद यहां से चुनकर आए। अमित शाह ने खुद इस राज्य में लोकसभा चुनाव की कमान संभाली थी। पार्टी का लक्ष्य अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव है। राज्य में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में शाह ने कोलकाता में एक रैली के जरिए निकाय चुनावों के लिए चुनाव प्रचार भी शुरू भी कर दिया है। शाह ने कोलकाता रैली में कहा था कि मैं बंगाल की जनता को धन्यवाद देता हूं कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने हमें 18 सीट दिलाई। भाजपा ने बंगाल में 2 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल किए। ममता जी, 2021 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कीजिए, हम बंगाल में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत फोकस के साथ। नमस्कार।